नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंचल पर सौ की बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर से आपके सामने मौजूद यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के साथ शामिल होंगे कांग्रेस पार्टी के दो और बड़े नेता। बीजेपी की बढ़ेगी मुश्किलें, हो सकते हैं चारों खाने चित। बताएंगे आपको कर्नाटका के चुनाव को लेकर भी कांग्रेस पार्टी भर रही है हुंकार। वहीं पर गुजरात के विधानसभा चुनाव से पहले दोस्तों एक बार फिर से नकली नोट के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। 317 करोड़ रुपए नकली नोट पकड़े गए हैं। बताएंगे कौन है इसके पीछे, किसका है हाथ। वहीं गुजरात के अंदर क्या खिसक रही है, भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी उतारा बीजेपी ने अपने बिहार के सहयोगी को। बताएंगे कौन है ये नेता, इसके अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। वहीं पर गुजरात के अंदर बीजेपी नेता ने सड़क पर एक युवक की हत्या कर दी, इस मामले को लेकर बुरी तरीके से फंस गया बीजेपी का नेता। वहीं चुनावी राज्य हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के एम्स के उद्घाटन से नाराज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उल्टा लगा दिया बीजेपी का झंडा। दोस्तों बताएंगे क्या है ये पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी दोनों राज्यों के अंदर सत्ता परिवर्तन की जोरदार लहर बहते हुए देखते हैं और 27 साल के शासन का हो सकता है गुजरात में अंत, अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इससे अगर आप लोग कुछ और कमेंट करना चाहते हैं तो लिखकर जरूर बताइए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया है कि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी आज से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। सोनिया गांधी क्योंकि कर्नाटका 3 दिन पहले पहुंच गई हैं और उनके साथ प्रियंका गांधी भी कर्नाटका पहुंच गई हैं, और उसके बाद अब भारत जोड़ो यात्रा और ज्यादा प्रचंड जन समर्थन के साथ नजर आने वाली है। आपको बता दें कि पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बयान देते हुए कहा है कि हम और बड़ा भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे और इतना बड़ा जन सैलाब निकलेगा कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बन जाएगा। वहीं दोस्तों राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के पड़ाव में कर्नाटका राज्य का होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी राज्य के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। और पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने जनता दल सेकुलर के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस पार्टी रणनीति बना रही है, और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के अंदर चुनाव होने वाले, और पहले भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़े गए थे और अब 317 करोड़ के नकली नोट पकड़े गए हैं। दरअसल दोस्तों गुजरात के सूरत जिले के अंदर पुलिस ने नकली नोट का एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। इसके साथ साथ 317 करोड़ रुपए के नकली नोट जब्त किए गए हैं, इसमें 67 करोड़ के पुराने नोट भी शामिल थे। इसके साथ ही पुलिस ने मुंबई के मास्टरमाइंड विकास जैन सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल करते हैं और ट्रस्ट और आयोग के नाम से ठगी भी करते हैं। वैसे दोस्तों चुनाव से चंद महीने पहले इस तरीके से भारी संख्या में नकली नोट मिलने का सीधा मतलब ये है कि चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए कहीं ना कहीं लेकर आया गया होगा। और गुजरात के अंदर बीजेपी की 27 साल से सरकार है, आप लोग समझ सकते हैं कि नकली नोट का इस तरीके का रैकेट चल रहा है। एक और बड़ी खबर की माने तो गुजरात के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व सहयोगी चिराग पासवान की पार्टी को चुनाव लड़ने की हरी झंडी दे सकती है। दरअसल दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर सीट और उम्मीदवारों पर चर्चा कर रही है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि चिराग पासवान बीजेपी को मदद करने के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान पर आरोप लग रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के वोट काटने के लिए चिराग पासवान गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल दोस्तों चिराग पासवान की पार्टी का गुजरात में कोई राजनीतिक आधार नहीं है, ऐसे में उनके वहां से चुनाव लड़ने की बात सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि SC ST वोटों को कम करने के लिए, खासकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट कम करने के लिए ये पैतरा अपनाया गया है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता जिग्नेश मेवाणी बड़ी संख्या में दलित नेताओं और दलित कार्यकर्ताओं के साथ साथ दलित वोटरों को कांग्रेस पार्टी के साथ में जोड़ रहे हैं। पिछले बार की रही कहीं कसर इस बार दलित समुदाय के वोटों के समर्थन से पूरा किया जा सकता है, यही उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को दोस्तों। लेकिन इन्हीं वोटों को कम करने के लिए चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं, अपने उम्मीदवार उतारेंगे, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने सारे पैतरे इस्तेमाल करके गुजरात में फिर से सत्ता वापसी की कोशिश कर रही है। वहीं आपको बता दें कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे ने कुछ इस तरीके की हरकतें की है दोस्तों, कि अब लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक तरीके से काफी गुस्सा नजर आने लगा है। जूनागढ़ के बीजेपी के कॉरपोरेटर जीवा सोलंकी के बेटे हरेश सोलंकी ने धरानगर रोड पर एक युवक की शरेआम हत्या कर दी। हरेश ने कुछ दिन पहले ही झगड़ा का बदला लेने के लिए चाकू से हमला कर दिया था, जिसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर एक CCTV कैमरे का वीडियो भी वायरल हुआ था, और अभी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन भाजपा का नेता है वो भी गुजरात का, दोस्तों कार्रवाई होगी अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा। एक और बड़ी अपडेट की माने तो प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर पहुंचे थे एम्स का उद्घाटन करने के लिए, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल था कि जब एम्स पूरा बना ही नहीं है तो आधा अधूरा उद्घाटन करके क्या फायदा है, क्या हिमाचल प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया दोस्तों, इस ट्वीट में भारतीय जनता पार्टी के झंडे वाली एक तस्वीर साझा की गई है, जिसमें बताया गया है कि अधूरे एम्स से दुखी होकर बीजेपी के
अपने ही कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उल्टा लगा दिया और अपना विरोध जाहिर किया है। कुल मिलाकर अगर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ये बीजेपी का उल्टा झंडा लगाकर विरोध किया है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए हिमाचल प्रदेश में खतरे की घंटी बज रही है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद अब जवाब में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रियंका गांधी मैदान में उतरने वाली है। प्रियंका गांधी की रैली करवाने की तैयार में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस है। प्रियंका की रैली अब सोलन में प्रस्तावित की गई है। सोमवार को पार्टी के प्रदेश नेताओं के वर्चुअल बैठक में विस्तृत चर्चा हुई है। अभी रैली स्थल को फाइनल नहीं किया गया है, इसलिए कोई भी नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में पालमपुर और सोलन में रैली करवाने पर चर्चा की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म हो गया है। प्रदेश में नवम्बर के आसपास 68 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, और उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी ये बड़ी तैयारी कर रखी है। आपको बताते चले कि प्रियंका गांधी को 10 अक्टूबर को चुनावी रैली में उतारा जा सकता है और उनके 3 रैली एक के बाद एक हो सकते हैं दोस्तों। कांगड़ा, सुजानपुर और पालमपुर के अंदर ये रैली कराई जा सकती है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस काफी एक्टिव नजर आती है। एक और बड़ी खबर की माने तो उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता के बेटे ने जिस तरीके से अंकिता भंडारी की हत्या कर दी थी और इस मामले पर वो आरोपी भी है, उसकी गिरफ्तारी भी की गई है, तो अब किसान नेता राकेश टिकैत ने अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अंकिता की हत्या उन महिलाओं पर चोट है जो घरों से बाहर निकलकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अंकिता भी अपने परिवार के लिए ही नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकली थी, लेकिन हत्यारों ने अंकिता के परिवार की खुशियां छीन ली। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। राकेश टिकैत ने परिजनों से मुलाकात करते हुए कहा कि न्याय के लिए सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई की जाए, सरकार जनता को गुमराह करना बंद करे। वहीं पर टीआरएस का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है दोस्तों, यानी टीआरएस पार्टी जिसे तेलंगाना राष्ट्र समिति कहा जाता था अब वो भारत राष्ट्र समिति कहलाएगा। यानी अब राजनीतिक परिदृश्य में अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश में लग गए हैं केसीआर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का जो नाम बदला है दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि 2024 के चुनाव में चंद्रशेखर अपने आप को राष्ट्रीय नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनकी पार्टी 2000 में लॉन्च की गई थी और उसके बाद एक के बाद एक उनकी पार्टी ने बड़ी सफलता हासिल की है, राज्य बनवाया, उसके बाद यहां पर इनकी सरकार बन गई। 2 बार से तो सरकार अभी चल रही है दोस्तों, देखते हैं आगे कितने और बार उनकी सरकार बन पाती है। एक और बड़ी अपडेट ये है कि दशहरा रैली से पहले महाराष्ट्र में मचा हंगामा, आपस में भिड़ गए ठाकरे समर्थक और शिंदे गुट के कार्यकर्ता। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र में हुए सत्ता परिवर्तन के पश्चात 5 अक्टूबर यानी बीते दिन शिंदे गुट एवं उद्धव ठाकरे गुट दशहरा रैली का आयोजन करने का ऐलान कर चुके थे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना को दादर के शिवाजी पार्क में रैली करने की इजाजत मिल गई, वहीं पर एकनाथ शिंदे गुट को बीकेसी मैदान में रैली करने की इजाजत दी गई थी और इसी समारोह के दौरान दोनों गुट एक दूसरे से भिड़ गए। कई जगह पर आपस में भिड़ने की खबरें सामने आई है दोस्तों। अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। जुड़े हैं कि सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।